Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ एन अकेडमी नाउ इंडियाज नंबर वन चैनल. ओके, तो जैसा अपन लोग क्या बात कर रहे हैं, SBI की बात कर रहे हैं. अभी बैंकिंग अवेयरनेस की जो क्लास चल रही है उसमें SBI की बातें हो रही हैं थोड़ी. ठीक है, आज थोड़ी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. SBI का मर्जर कब हुआ, मर्जर के बाद का क्या इम्पैक्ट था और क्या सारा इम्पैक्ट पॉजिटिव था या कुछ नेगेटिव भी था. ओके, एंड वन मोर थिंग, कोशिश करिए आप लोग कि जो ये क्लास चल रही है इसके नोट्स बनाते चलो. नोट्स बनाना वुड बी मच बेटर, बिकॉज अगर आप लोग PDF की तलाश कर रहे हो तो PDF में क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स हो सकता है मिस भी हो जाए, कंप्लीट ना हो पाए. बिसाइड एक्सप्लेनेशन करते चलती हूँ मैं, तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इतना ही तो करना होगा. कॉपी पेन लेके बैठो, करते चलो. इस चैप्टर के बाद PDF शायद से ही मिले, लेकिन आप लोग चैप्टर के साथ एक्सप्लेनेशन पे चलो. अगर आपकी डिमांड है PDF की तो मैं दे दूंगी, बट PDF वोंट बी सो मच हेल्पफुल. ओके, कोशिश करना ऐसे ही नोट करते चलो. अपनी डिमांड आप लोग बता दीजिएगा इफ़ यू पीपल नीड PDF. ठीक है, चलो. तो बात हो रही थी SBI Associates एंड मर्जर. अभी पहले बात कर रहे थे हम लोग SBI की. ओके, किसकी पहली बात कर लेंगे, SBI की बात हो जाए. देखो, आपको क्या बताया था मैंने कि SBI जो है इसका फॉर्मेशन कब आया था, 1955 में. ठीक है, किन तीन बैंकों को मिला दिया गया था. इसके पहले था इंपीरियल, और इंपीरियल को कैसे बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे. इन सबको मिला के क्या बना था, इंपीरियल बैंक. और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया था किसने, RBI ने इंपीरियल को क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था. ठीक है, नेशनलाइज कर दिया था. 60% स्टेक जो है इसकी ले ली गई थी. उसके बाद ये क्या बन गया था, उसके बाद बन गया था SBI. ठीक है, कौन से एक्ट के तहत बना था, SBI एक्ट 1955. ओके, इस एक्ट के तहत ये बन गया था. ठीक है, अब जो है थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं. SBI बना था, बहुत बड़े लेवल का बैंक बना हुआ था, काफ़ी सारे इसके फंक्शंस थे, बहुत कुछ इसे करना था, हालांकि एक कमर्शियल बैंक ही था. ठीक है, तो देखो जब ये बना था तो इसका कारोबार बड़ा था, और जब भी कारोबार बड़ा होता है, खुद सोचो ना आप लोग कि आप लोग बिजनेस फैमिली में हो, आपके पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है. जब बहुत बड़ा बिजनेस है तो क्या होता है, आप लोग भी उनका हाथ बटाने चले जाते हो और आगे अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो. यही था, अब ये SBI था, SBI का कारोबार बड़ा था, तो SBI के साथ उसके क्या बना दिए गए थे, एसोसिएट्स बना दिए गए थे. ठीक है, देखो क्या बात हो रही है, SBI का कारोबार बहुत बड़ा था तो इसके साथ क्या बना दिए गए थे, इसके एसोसिएट्स बना दिए गए थे. ठीक, एसोसिएट्स क्या होते हैं, तुम लोग दो शब्द, आप सभी लोग दो शब्द अक्सर सुनोगे, एक एसोसिएट होता है और एक और चीज होता है सब्सिडियरी. दोनों में फर्क होता है,
किसी किसी बैंक के साथ आप लोग सुनोगे कि एसोसिएट है, किसी किसी बैंक के साथ आप लोग सुनोगे सब्सिडियरी है, एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, कैसे अलग होते हैं। अगर मैं कहती हूँ एसोसिएट, तो एसोसिएट क्या होता है, एसोसिएट का मतलब है कि SBI का ही कारोबार आगे बढ़ाने के लिए, इसी के नियम कायदे से आगे चलने के लिए बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एसोसिएट पे इसका फुल कंट्रोल होगा, तो ये गलत है। एसोसिएट पे इसका कैसा कंट्रोल होगा, पार्शियल कंट्रोल। लेकिन अगर मैं कहती हूं कि सब्सिडियरी, अगर सब्सिडियरी है तो उस पर फुल कंट्रोल होता है, यानी कि ये जो भी संस्था है इसकी कंप्लीट गाइडेंस किसके हाथ में रहेगी, SBI की, ठीक है। तो सब्सिडियरी के केस में कैसा कंट्रोल होता है, फुल। लेकिन एसोसिएट के केस में कैसा कंट्रोल होता है, पार्शियल। होपफुली क्लियर होगा। जैसे समझ लेना ना कि तुम्हारे पापा हैं, तो तुम्हारे पापा का अधिकार किस पे ज्यादा होगा, तुम पे या तुम्हारे चाचा पे, तुम पे ज्यादा होगा, ठीक है। गलती करोगे तो एक लगा भी देंगे, फिर तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें गाइड भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो तुम लोग क्या हो, सब्सिडियरी हो, और एसोसिएट ये कौन है, तुम्हारे चाचा लोग हैं। आ रही बात समझ में, यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है। अब SBI के साथ में क्या बनाए गए थे, एसोसिएट्स बनाए गए थे, और कितने एसोसिएट बनाए थे देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एक्ट 1959 के तहत इसके टोटल 8 एसोसिएट्स बनाए गए थे, ठीक है। अगर मैं नाम यहां लिखूं तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। आप लोग जब से देख रहोगे ना, तो इसको एक साथ ही देखोगे, जब भी देखोगे तो ऐसे ही देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, क्योंकि हमारे जन्म होने के बहुत पहले ही ये दोनों आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे, मिल के ये दो बैंक थे, दोनों को मिला के एक बना दिया गया, और क्या बन गया था, ये बन गया था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक। इसके अलावा क्या था, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। मैं यहाँ पे केवल अब नाम लिखते जा रही हूँ, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ रिपीट होगा, ओके। ये हो गया अपना इंदौर, ठीक, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद और ट्रावनकोर। इतने जो है स्टेट बैंक के एसोसिएट खुले थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, सौराष्ट्र, इंदौर, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद और ट्रावनकोर, ये सारे एसोसिएट्स इसके खुले थे, ओके। अभी देखो क्या हुआ था, इन दोनों को बहुत पहले ही मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अगर ऐसे काउंट करोगे तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो दो है ना, इन दोनों को आपस में एक कर दिया गया, यानी कि अब एक घटा दो, क्यों, क्योंकि ये तो दो थे, लेकिन इन दोनों को मिला के एक यूनिट बन गई, तो 8 में से एक घटा दो, कितने बच गए, 7। इन दोनों को मिला के क्या बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये कब हो गया था, 1963 में ये हो चुका था, ठीक है। फिर देखो, याद रखिएगा, इनको पहले पहले आपस में मिलाया गया था, ना कि SBI में मिलाया गया था। आपस में मिलाने का मतलब क्या है, कि जयपुर वाला जो बैंक था बीकानेर से मिल चुका है, अब बीकानेर ही जयपुर के बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, यही उसका कारोबार पूरा पूरा देखेगा, ओके। फिर देखो क्या है, सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को किसी और में ना मिला के सीधा किस में मिला दिया गया, SBI में, ठीक है। पहले तो दो को एक किया गया था, तो हमने एक हटा दिया, लेकिन फिर सौराष्ट्र को उठा के किस में मिला दिया गया था, सीधा सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यह कब हुआ था, 2008 में, ठीक। फिर कुछ समय के बाद इंदौर को भी क्या किया गया, उठा के कहां मिला दिया गया, SBI में। ये कब कर दिया गया, 2010। देखो हमने क्या बात करी, कि इतने सारे क्या थे, एसोसिएट्स थे। शुरू में ही बीकानेर और जयपुर को आपस में मिला के एक बैंक बना दी गई, ठीक है। पहले 8 थे, उसमें से एक हटा दो, 7 बचे, ठीक। फिर क्या हुआ, 2008 में सौराष्ट्र को SBI में मिलाया गया, अब 7 में से एक और हटा दो, कितने बचे, 6। फिर इंदौर को भी उठा के मिला दिया गया SBI में, एक और हटा दो, कितने बचे, 5। अब RBI ग्रेड बी में एक सवाल आया था 2014 में, कि SBI के कितने एसोसिएट्स हैं, 2014 की बात कर रही हूँ,
और यहाँ पता ही चल रहा है कि 2010 के बाद कितने बचे थे, 5। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने उस समय भी आंसर 7 किया था, लेकिन आंसर क्या था, 5। ठीक है, तो ये जो है इतने बच्चे हुए थे, कौन कौन, ये आपके सामने सारे के सारे दिख रहे हैं, ये 4। इसके अलावा एक और जो बन चुका था अलग से, कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये 5 बचे हुए थे। ठीक है, इनको तो आपस में मिलाया गया था ना, SBI में तो मिलाया नहीं गया था, तो एक ये था, 2, 3, 4, 5, ये 5 बचे हुए थे। इन 5ों के बिजनेस को आगे क्या किया गया, इन 5ों को 2017 में, 2017 1 अप्रैल को किसमें मिला दिया गया था, SBI में, SBI में ही मिल गए थे, इनके साथ ही साथ एक और बैंक मिल गई थी, भारतीय महिला बैंक। ओके, ये सारी की सारी जितनी बैंकें थी सबका कारोबार, सारा बिजनेस किसमें मिल गया, SBI में। ओके, जैसे ही मिला वैसे ही SBI सीधा सीधा छलांग मार के फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में पहुंच गई थी, और साथ ही साथ पूरे विश्व के टॉप 50 बैंक्स में अपना नाम दर्ज करी थी। ठीक है, इसके पहले हमारे देश का कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जो कि टॉप 50 बैंक में आता हो विश्व में, लेकिन जब ये मर्जर हो गया तो SBI साइज के हिसाब से टॉप 50 बैंक में आ गई, और कौन से नंबर पर आ गई थी, 44th। ठीक है, एक और बात, भारतीय महिला बैंक ये जो है इंदिरा गांधी जी को ट्रिब्यूट दे करके खोला गया था। अगली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय महिला बैंक था क्या वो हमारे देश का पहला ऐसा बैंक था या पूरे विश्व का पहला ऐसा बैंक था जो कि केवल स्पेशली महिलाओं के लिए था, केवल स्पेशली औरतों के लिए था, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं है। विश्व की बात करें तो सोमालिया, पाकिस्तान, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पहले से ही बैंक्स चल रहे हैं जो स्पेशली कहां फोकस कर रहे हैं, वुमेन्स को। और अगर अपने देश की बात करें तो छोटे मोटे लेवल पे बैंक्स ऑलरेडी खुल चुके हैं गुजरात वगैरह में, जो कि किस पे फोकस करते हैं, महिलाओं पे। ओके, तो फिर कोई मतलब ही नहीं अगर ऐसा सवाल आता, आपका आंसर होगा नो। ठीक है, तो अब देखो सारी बात हमने कर ली, क्या क्या मर्ज हुआ, 5 इसके एसोसिएट मर्ज हुए, 1 BMB मर्ज हुआ। इसके बाद की कहानी देखिए, देखिए इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हुआ क्या, SBI जो है, अच्छा SBI का लोगो आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है इसका लोगो। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर कर लेंगे, कुछ ऐसा लोगो होता है। इसके लोगो का क्या मतलब होता है, इसके लोगो का मतलब होता है कस्टोडियन। क्या मतलब होता है, कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, कोई जो आपकी धरोहर को संभाल कर रखे। ठीक है, कोई आपके धरोहर की धरोहर को संभाल कर रखे, ये जो है SBI का लोगो होता है। ये कई कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इसके लोगो का क्या मतलब है, तो याद रखिएगा कि कस्टोडियन है या फिर कह सकते हो लॉक है, कस्टोडियन या फिर लॉक, जो कि आपके पैसों को क्या कर रहा है, संभाल कर अपने पास में रख रहा है। ओके, अगली चीज, SBI का जो लिखने का तरीका था, पहले आप लोग देखे होंगे बड़ा अजीब सा ऐसा SBI दिखा रहता था, बिल्कुल ही अजीब सा, अब उसको थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, जो फॉन्ट थी वो बदल दी गई थी, नई फॉन्ट कौन सी आ गई थी, एफ्रा। ठीक, इसके अलावा SBI लिखने में जहां भी व्हाइट कलर यूज हो रहा था लोगों में या लिखने में, उस व्हाइट कलर को रिप्लेस करके कौन सा कलर आ गया था, इंकी ब्लू। ठीक है, कौन सा कलर आ गया था, इंकी ब्लू, अब ये कलर यूज हो रहा था। ये सारे चेंजेस थे SBI की डिजाइन्स वगैरह में, ये सारी चीजों का चेंज हुआ था जो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात आपको बताऊं तो देखिए, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि अगर मैं कहती हूँ कि SBI का साइज बढ़ा था, बिजनेस बहुत अच्छा हो गया था, तो केवल ये नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि इसका प्रो है, इसके प्रोज हैं, इसके फायदे हैं, तो इसके कॉन्स भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हुई थी, एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था।
जरा सोचिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज कैसा। एडवांटेज की मैं बात करूं तो इसका जो साइज था वो बहुत ही बढ़ चुका था, बहुत ही बेहतरीन बैंक हो चुका था, अपना नाम बहुत ऊंचे पे जाके दर्ज कराया था और इसकी कस्टमर बेस बढ़ गई थी, एटीएम बढ़ गई थी। कहा जाता है कि एसबीआई जो है पूरे देश का 30% एटीएम खुद इसी का है, ठीक है। जितने भी बैंक हैं उसमें से सभी बैंकों का अगर एटीएम लो तो 30% जो एटीएम है वो किसका है, एसबीआई का है। अच्छा एक बात सोचिएगा, आपको करंट जो सुबह 8 बजे होता है उसमें बताया गया था कि कोई भी एटीएम जो बैंक लगाती है ऐसे एटीएम को आप लोग क्या कहते हो, ब्राउन लेबल। और कोई भी एटीएम जो बैंक ना लगा के कोई ऐसी कंपनी लगाती हो जो एनबीएफसी हो, यानी बैंक जैसे कारोबार करने वाली कंपनी लगाती है, तो इसको क्या कहते हो, वाइट लेबल एटीएम। ये मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है, करंट की क्लास में, अभी नहीं। तो देखो हम क्या बात कर रहे थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज था तो डिसएडवांटेज भी था। एडवांटेज क्या था, एडवांटेज ये था कि साइज बढ़ गई थी जो अभी आपसे डिस्कस हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या क्या था, डिसएडवांटेज ये था कि जो भी बैंक को मर्ज किया गया था इनका पूरा बिजनेस जो था वो किस में मिल गया था, एसबीआई में। तो पूरे बिजनेस में जरूरी थोड़ी ना है कि इनको प्रॉफिट हुआ हो, इनको क्या हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है प्रॉफिट के साथ साथ, ठीक है। तो बिजनेस मिलना कहीं ना कहीं दोनों था, प्रॉफिटेबल भी था और कहीं ना कहीं किस में ले जा रहा था, लॉस में भी ले जा रहा था। इसलिए पूरी तरीके से प्रॉफिट आप नहीं कहोगे इसका, ठीक है। इसके साथ है, आप लोग एक और चीज कह सकते हो कि स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ गए। सीधा सीधा कह सकते हैं एनपीए बढ़ा, और किसी भी बैंक के लिए एनपीए बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। एसबीआई की दो चार और हम लोग बातें कर लें तो देखिए, कुछ अगर फैक्ट्स की बात करें तो एसबीआई जो है इनके चेयरमैन कौन है, अभी रजनीश कुमार, ठीक है। खोज कब हुई थी, एसबीआई नाम की खोज हुई थी 1955 में, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई। सबसे मशहूर दो ऐप्स कौन से हैं, दोनों ऐप्स हैं, एक आपका बडी और दूसरा है आपका यूनो। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एसबीआई जो है अभी अभी एक नई सुविधा लेकर के आई थी। क्या नई सुविधा लेकर के आई थी कि ये क्या प्रोवाइड करने वाली है, डोर स्टेप बैंकिंग। क्या प्रोवाइड कर रही थी, डोर स्टेप बैंकिंग। डोर स्टेप बैंकिंग क्या था, थोड़ा सा आप लोग अगर याद करिएगा, कुछ समय पहले के करंट की बात है, आपको शायद से बताया गया होगा उस समय करंट में कि एसबीआई लॉन्च कर रही थी, पहली ऐसी बैंक थी जो कि डोर स्टेप बैंकिंग लेकर आई थी। अब ये डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा, डोर स्टेप बैंकिंग का मतलब है का मतलब है कि बैंक आपको आपके दरवाजे तक मिलेगा। बैंकिंग की जो भी सुविधा है वो आपको कहां तक मिलेगी, आपके दरवाजे तक मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है ये स्पेशली किसके लिए आया था, ओल्ड एज और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विकलांग लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए इसको खास तौर से लाया गया था। कहा गया था कि जिनका भी घर बैंक ब्रांच के 5 किलोमीटर के अंदर होगा उनको ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग घर बुला के कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि फाइनेंशियल लेन देन कर रहे हो, तो चार्ज आपका 100 रुपये था। और अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, कुछ और था, तो 60 था, ठीक है। अच्छा मैंने 100 और 60 बोला, अब आप लोग देखोगे कि क्या ये 100 और 60 ही था या 40 और 60 था या
40 और 100 था, ये आप सभी लोग देखोगे, ठीक है। थोड़ी सी जहमत उठाओ और इतना देखो। मैं हर सेशन में कहने लगती हूँ कि ये भी उठा के देख लो, वो भी उठा के देख लो। आप लोग सोचते होगे कि हर सेशन में हम ही देखेंगे तो मैम क्या देखेंगी, ऐसा नहीं है। तुम्हें यार कभी कितना भी सोचोगे ना, 2 से 3 मिनट लगेगा किसी एक चीज़ को देखने में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ओके, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अभी जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत देख लो, ठीक है, तुरंत देख लो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या चार्ज था और नॉन फाइनेंशियल का क्या था, ठीक है। किसके द्वारा लाई गई थी सुविधा? SBI द्वारा, डोरस्टेप बैंकिंग। डोरस्टेप बैंकिंग का मतलब क्या था? आपके घर के दरवाजे तक आपको क्या मिल रही थी? बैंकिंग मिल रही थी, ठीक है। किन दो लोगों के लिए लेकर आया गया था? बेसिक जो था, एक ओल्ड एज के लिए था और दूसरा किसके लिए था? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ओके, एक दो चीज़ें और अगर हम लोग साथ ही साथ ऐड कर लें तो डोर स्टेप बैंकिंग किसका एक पार्ट होगा, किस लिए इसको लाया गया होगा, मेन मकसद क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, ठीक है। किसको बढ़ावा देना? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। ओके, तो SBI से रिलेटेड भी हमने काफ़ी बातें कर ली हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आता है कि SBI जो है, हाँ, अगर ये आता है कि SBI की फ़िलहाल कितनी एसोसिएट्स हैं तो क्या होगा? उसका आंसर होगा 0, कोई भी एसोसिएट नहीं है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मेरे होमवर्क के लिए नोट करना। एक तो ट्रांजैक्शन आप लोग देखोगे, फिर आप लोग देखोगे एक और चीज की, देखो पहले तो आप लोग चार्ज देख लोगे, एक ही होमवर्क है, ठीक है, ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इसके अलावा एक और चीज देखोगे कि विच बैंक हैज मैक्सिमम फॉरेन और इंटरनेशनल ब्रांचेस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखोगे कि कौन सा बैंक था जो कि पहली बार खोला था। एक और चीज, SBI जो है ये रिसेंटली कहाँ पे अपना फॉरेन बैंक का एक फॉरेन कंट्री में अपना ब्रांच डाली है। ओके, ये सारी चीजें आप सभी लोग देखोगे कि ट्रांजैक्शन का चार्ज कितना है, कौन सा पहला बैंक था जिसने अपना फॉरेन ब्रांच डाला था और कौन सा बैंक है जिसका सबसे ज्यादा फॉरेन बैंक का ब्रांच है, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है कि SBI ने रिसेंटली अपनी कौन सी ब्रांच अपनी फॉरेन में कहाँ पर ब्रांच डाली है, कौन से देश में डाली है, ठीक। चलो, तो SBI का तो हो गया सारा तामझाम खत्म। रिवीजन आप लोग क्विक क्विक ले लें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने शुरुआत की थी इसमें कि बैंक की इवोल्यूशन कहाँ से हुई थी। ओके, बैंक की इवोल्यूशन के बाद हमने टाइप्स देखे थे थोड़े। इसके बाद हमने पढ़ा था कि नेशनलाइजेशन बैंक्स का क्यों हुआ था, 2 फेज में हुआ था, ठीक है। फिर हमने इसके साथ ही साथ पढ़ लिया था कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं। आज हमने क्या कवर कर लिया? SBI, ठीक। अगर इन सबको हम लोग मिला दें तो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में? इन सबको मिला दो तो 2 से 3 सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, हर चीज़ को कवर करते चलना, जितना मैक्सिमम हो उसको देखना, ठीक है। अच्छा, SBI है। SBI मैंने आपको बताया कि विश्व के टॉप 40 बैंकों में से 50 बैंकों में से एक है। इसके साथ ही साथ SBI को हमारे देश में DSIB का दर्जा भी दिया जाता है। किसका दर्जा? DSIB। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे चैप्टर्स खत्म होंगे तो एक बैंकिंग टर्म आपको बताया जाएगा और फिर थोड़ा स्टैटिक डिस्कस होगा, तो अपना जो आज का बैंकिंग टर्म होगा वो DSIB होगा। कि अगर SBI DSIB है तो DSIB का मतलब क्या है, ठीक है। यहां अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखो DSIB,
देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, ये डीसीब है. इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कंट्री है, आपके कंट्री का जो भी बिगेस्ट बैंक में से एक है, ठीक है, जो भी बिगेस्ट बैंक में से एक है, इतना बड़ा उसका कारोबार है, उसका कस्टमर बेस इतना ज्यादा है कि कहा जाता है दे आर टू बिग टू फेल. ठीक है, क्या कहा जाता है, दे आर टू बिग टू फेल. ऐसे बैंकों को उठाकर किसमें डालते हैं, डीसीब. फिलहाल आपके देश में तीन ऐसे बैंक हैं जिनका नाम इसमें है, एक है SBI, एक है HDFC और एक है ICICI. हाल फिलहाल में किस बैंक को डीसीब में डाला गया था, HDFC को. ठीक है, इसका नाम. अब डीसीब आपके देश में देता कौन है, इसका कॉन्सेप्ट देने वाला होता है RBI. ये तो अपने नेशनल लेवल पे हो गया. जैसे डीसीब है वैसे एक और चीज होता है जीसीब. क्या होता है जीसीब, जीसीब क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर आता है, ग्लोबल सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक. ठीक है, ग्लोबल वाला आरबीआई ना करके एक कमिटी होती है BCBS, ये करती है. ठीक है, ये सब इसकी जो भी और डिटेल्स है ये हम लोग बेसल चैप्टर में करेंगे, जब बेसल पढ़ेंगे. ठीक, चलो अब जो है मैंने अपनी एक और क्लास में ये ट्रिक बताई थी, आप लोगों से भी अगर यहाँ डिस्कस कर लूँ तो. दची एंड हेमा मेकिंग किसान जैम. ओके, पहली ये ट्रिक. अब ये है क्या, दची एंड हेमा मेकिंग किसान जैम, क्या है ये. सबसे पहले आ गया दची, दची से याद क्या करना होगा, दची गम. आगे क्या आ गया, हेमा, हेमा से क्या याद करना होगा, हेमस. ओके, फिर क्या आ गया, किसान, किसान से क्या याद करना होगा, किश्तवर. ठीक है, और लास्ट में है जाम, ये क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो ये जो है ना दची एंड हेमा मेकिंग किसान जैम, ये जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की ट्रिक है. ठीक है, ये तीनों आपके नेशनल पार्क हैं, कहाँ पर सिचुएटेड, जम्मू एंड कश्मीर. एक और है उसको भी याद कर लो, वैसे ये बहुत ईजी है पर आप फिर भी याद कर लो, धवन प्लेज इन यूपी क्रिकेट टीम. ठीक है, धवन प्लेज इन यूपी क्रिकेट टीम, दो ही चीज याद रखनी है, एक है धवन और एक है यूपी. यूपी का जो बहुत मशहूर एक नेशनल पार्क है कौन सा है, दुधवा. ठीक है, चलो तो इतनी बातें हमने कर ली, जो जो इम्पोर्टेंट था सारी डिस्कशन कर ली है, दो आपको नेशनल पार्क की ट्रिक भी दे दी है, ये मैंने एक और क्लास में बताया था लेकिन वो हरियाणा पुलिस के चलती है 11 बजे, उसमें बताया था. ठीक है, तो होपफुली आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. अब क्या करेंगे, अब अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, आरबीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, एक और बात, आपको अगर PDF चाहिए, बहुत नीड है तो मुझे बताओ, मैं अपलोड करा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है PDF की इतनी नीड होगी, बिकॉज जो भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना, बाकी जो भी चैप्टर्स कर रहे हैं उसका नोट बनाना ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होगा, तो कोशिश करो कि नोट्स बनाते आप लोग. चलो ठीक है, चलो तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय सेशन. थैंक यू.